जेजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष कुलदीप मुल्तानी ने जिला कार्यकारिणी का गठन किया। कुलदीप मुल्तानी ने एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि रंजीत नैन व सुभाष पूर्व सरपंच भैसी माजरा को जिला का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 13 उप प्रधान दर्शन सिंह ठौल को प्रधान महासचिव, 12 महासचिव, 11 सचिव सहित बलकार सिंह को संगठन सचिव, बलराम भारती को प्रचार सचिव व राजेश कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कुलदीप मुल्तानी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस मौके पर जसविंदर खेहरा, माया रामचंद्र भानुपुरा, रंजीत नैन, डॉक्टर संतोष दहिया व अन्य नेता मौजूद रहे। जननायक जनता पार्टी को धन्यवाद, स्वागत। आज के जो मेन एजेंडा है आज का हमारा, हम अपनी कार्यकारिणी में विस्तार करने जा रहे हैं। आज जिला कार्यकारिणी आपके सामने घोषित करेंगे। आने वाले एक दो हफ्ते में सभी प्रकोष्ठों की, इसके साथ साथ हल्का सभी हल्का कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। सभी निष्ठावान कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ताओं को इसमें जगह दी गई है और पार्टी लगातार गांव में, कस्बों में, शहरों में जा कर के अपना प्रचार कर रही है। इसके साथ साथ जब हम गांव में जा रहे हैं तो आज की जो मेन समस्या है युवाओं के रोजगार के बारे में, उसके लिए हम रोजगार मेरा अधिकार एक फॉर्म भर रहे हैं, जिसके तहत हम बेरोजगार युवाओं की डाटा तैयार कर रहे हैं। उनका सारा डाटा तैयार करके उसको अपने पास रखेंगे। इसके साथ साथ जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो सम्मान पेंशन है, हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो पुरुषों की उम्र 58 साल और महिलाओं की 55 साल से ये वृद्धावस्था पेंशन जो है, सम्मान पेंशन जो है, वो